शोहरतगढ़ विधानसभा के अतिथि भवन में सुलहदेव भारतीय समाज पार्टी ने कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें पार्टी के प्रदेश महासचिव अरविंद राजभर ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ता सम्मेलन में कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को आगामी चुनाव में जीत हासिल करने का प्रशिक्षण दिया। साथ ही अरविंद राजभर ने बीजेपी पर जमकर निशाना भी साधा। जो हमारे सेक्टर के पदाधिकारी से और भी पार्टी हम लोग के साथ है, छोटे छोटे क्षेत्रीय दल है जो दो चार जनपदों में उनका संगठन है, मजबूती है। तो आपको बता दें खबर उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर से है, जहां सुभाषपा का कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ। देखिए उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो सभी राजनीतिक पार्टियां वैसे तो सक्रिय है, लेकिन प्रमुख रूप से अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो सभी पार्टियों ने अपना यहाँ जो दम है वो भरना शुरू कर दिया है। हम 27% आरक्षण का वर्गीकरण करेंगे, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करेंगे, हम घरेलू बिजली का बिल माफ करेंगे, बेरोजगार नौजवानों को रोजगार का अवसर देंगे, जो पढ़े लिखे नौजवान तैयारी कर रहे हैं उनको हम नौकरी देंगे, महिलाओं की सुरक्षा करेंगे, हम गांव में विकास करेंगे, ऐसा कहीं पर कुछ नहीं हुआ। हमारे प्रदेश की जनता का वोट लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा प्रदेश की जनता और देश की जनता को डराने का प्रयास किया कि देश का हिंदू खतरे में है तो देश का मंदिर खतरे में है, तो देश खतरे में है, हमेशा भारत पाकिस्तान करता रहा। हम लोगों का उनसे हटने का सीधे एक मकसद रहा है, क्योंकि हमारी लड़ाई गरीबों के लिए है। अगर गरीबों की सुनवाई नहीं होगी, गरीबों के साथ समता स्वतंत्रता बंधुत्व और न्याय का पालन नहीं होगा, तो हम लोगों ने उसी उद्देश्य को देखते हुए कि भारतीय जनता पार्टी झूठ पार्टी है, ये झूठ की बुनियाद पर चल रही है, हमने उसको इस्तीफा दे दिया। हम उत्तर प्रदेश की जनता कैसे उत्तम प्रदेश में आवे, उत्तर प्रदेश कैसे बने, उत्तर प्रदेश में शिक्षा में सुधार कैसे हो, रोजगार का सृजन कैसे हो, 34 लाख वैकेंसियां बहाल कैसे होंगी, महिलाओं की सुरक्षा कैसे होगी, थाने पर न्याय कैसे मिलेगा, जिले पर न्याय कैसे मिलेगा, इन सारी चीजों का प्रशिक्षण दिया गया है। प्रशिक्षण दे करके इनको बताया गया है।